हे एवरी वन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आनंद मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तब ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, या आप नेट जेआरएफ कर रहे हैं जहाँ पर वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चन बनते हैं तब ये आपका वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? इट मे बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे इन विच अ सिस्टम में पॉजेस ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम वह नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज होता है जिसमें कि कोई सिस्टम कितने प्रकार से वह मूव कर सकती है, चाहे वह ट्रांसलेशनल हो, चाहे वाइब्रेशनल हो, या फिर रोटेशनल मोशन कर सकती हो। ठीक है, तो कोई मॉलिक्यूल है या कोई एटम है वह कितने प्रकार से मूव कर सकती है, वह उसका मोशन कर सकती है, उसका क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, लेट अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेन एन एटम, देन इट डिग्री ऑफ फ्रीडम वुड बी 3n। अगर कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें एटम की संख्या कितनी है n, तो उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 3n। एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में वो मूव करेंगे, जितने रहेंगे उतने हमारा 3 डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो डिग्री ऑफ, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा इसका? 3n हुआ। ठीक है, लेकिन फॉर अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, अगर कोई नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तब देयर विल बी अ 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड देन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी, टोटल कितने हुए? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3n, उसमें से 3 रोटेशनल के हैं एंड 3 ट्रांसलेशनल के। तो 3n माइनस 3 रोटेशनल के, 3 प्लस 3 ट्रांसलेशनल के। हम इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो अगर कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें n एटम है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3n। फॉर अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, अगर 3 उसमें कितने होते हैं? 3 रोटेशनल होते हैं और 3 ट्रांसलेशनल होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से हम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और आपका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इतना समझ में आया? और आप तो ये जानते ही होंगे रोटेशनल और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। फॉर अ लीनियर मॉलिक्यूल देयर विल बी 2 रोटेशनल एंड 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3n, टोटल कितने थे? 3n माइनस 2 रोटेशनल एंड प्लस 3 ट्रांसलेशनल, इनको हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 3n है। नॉन लीनियर में मॉलिक्यूल में 3 रोटेशनल होते हैं और 3 ट्रांसलेशनल होते हैं, तो वाइब्रेशनल कितने हो जाएंगे? 3n माइनस 3 प्लस 3, ठीक है, मतलब 3n माइनस 6 हो जाएंगे। और फॉर अ लीनियर मॉलिक्यूल, अगर वो लीनियर मॉलिक्यूल है, देयर विल बी 2 रोटेशनल एंड 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3n माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस 3, इनको दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, वो माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा 3n माइनस 5। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3n माइनस 6। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3n माइनस 5। क्लियर है? नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन। वन इज द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, अनदर इज द बेंडिंग और डिफॉर्मिंग वाइब्रेशन। ठीक है, 2 प्रकार के हमारे यहाँ पर वाइब्रेशन होते हैं, एक हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो सकता है और एक हमारा बेंडिंग, या उसी का नाम होता है डिफॉर्मिंग वाइब्रेशन। तो हम डिस्कस करते हैं पहले स्ट्रेचिंग के वाइब्रेशन के, फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे बेंडिंग पे। ठीक है, तो व्हाट इज द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, इन दीज वाइब्रेशंस एटम मूव अलोंग द बॉन्ड एक्सिस सच दैट द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ठीक है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होता है? इस वाइब्रेशन में हम एटम को बॉन्ड एक्सिस के अलॉन्ग
क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, जिसके वजह से इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में या तो इंक्रीजमेंट हो जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम इस प्रकार से समझें कि मान लीजिए ये हमारा स्प्रिंग है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे इसी के एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, बढ़ गया, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ जाएगा। एक एटम मान लेते हैं यहाँ पर था, एक एटम यहाँ पर था, अब वो क्या हो गया, इनके बीच की दूरी बढ़ गई। या इसी को हम स्ट्रेच ना करके, ठीक है, हम इसको और पुश कर दें इस साइड में, ठीक है, तो हमारा ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। तो ऐसा सिस्टम जिसमें कि हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, कि जिसमें कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या हो जाए, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। ठीक है, दिस वाइब्रेशन एटम्स मूव अलोंग द बॉन्ड एक्सिस सच दैट द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीजेज आर डिक्रीजेज। ठीक है, एटम मान लीजिए ये एक्चुअली में इसका एक्सिस था, यहाँ पर एटम थे। ठीक है, अब ये आपस में वाइब्रेट करके यह एटम वाइब्रेशन के बाद इतना दूर हो जाए, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाए, या फिर दूर जाके बाद फिर नज़दीक आ, जैसे एक स्प्रिंग होता है। ठीक है, एक स्प्रिंग का नहीं लेते हैं, तो उस स्प्रिंग के अकॉर्डिंग हमारा वाइब्रेशन हो रहा है, जैसे एक स्प्रिंग में होता है। बात समझ में आई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स आउट कर लेते हैं। दीज वाइब्रेशन जनरली रिक्वायर हायर एनर्जी देन बॉन्डिंग। दूसरा, बॉन्ड एंगल चेंज ओनली इफ इट इज रिक्वायर टू डू सो बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपोजिंग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस वाइब्रेशन जनरली रिक्वायर हायर एनर्जी देन बेंडिंग, बेंडिंग से ज़्यादा इसमें एनर्जी लगती है। एंड बॉन्ड एंगल चेंज ओनली, बॉन्ड एंगल तभी चेंज होगा इफ इट इज रिक्वायर टू डू सो बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपोजिंग डिस्प्लेसमेंट। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट का अपोज करेगा तभी जाके बॉन्ड एंगल हमारा चेंज होगा। दे मे बी आइसोलेटेड और कपल्ड। ठीक है, वो आइसोलेटेड हो सकता है, मतलब एक एटम एक दूसरे एटम के बीच में, या फिर आइसोलेटेड एंड कपल हो सकता है, एक एटम है इसके दोनों तरफ का हो सकता है। ठीक है, तो दे मे बी आइसोलेटेड और कपल्ड। तो इसमें होता क्या है, वाइब्रेशन होगा जिसमें कि इनके बीच के डिस्टेंस बढ़ भी सकती है और फिर या फिर घट भी सकती है। ठीक है, तो ये हमारा वाइब्रेशन में हुआ। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। कपल्ड वाइब्रेशंस आर टू टाइप्स। ये कपल्ड वाइब्रेशन, ठीक है, कपल्ड वाइब्रेशन आर टू टाइप्स, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो, यहाँ पर सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग का मीनिंग क्या बन सकता है। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, व्हेन द स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन आकर इन सिमेट्रिकल फैशन। ठीक है, जिसमें या तो स्ट्रेचिंग हो तो स्ट्रेचिंग, या फिर कंप्रेशन हो तो कंप्रेशन, वो हमारा क्या हो, सिमेट्रिकल हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इस एटम को इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहा है, यह भी एटम स्ट्रेच कर रहा है। ठीक है, दोनों, ठीक है, इधर से दूर जा रहे हैं। या तो हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम यह मान के चले कि दोनों एटम में, ये मान लीजिए इस प्रकार से सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, ये एटम और ये एटम, ठीक है, ये दोनों इसके तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके तरफ आ रहे हैं या इससे दूर जा रहे हैं, ठीक है, दोनों एक समान काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक फैशन में है, सेम फैशन में, या तो स्ट्रेचिंग हो रहा है, ये इधर आ रहे हैं, ठीक है, इधर आ रहे हैं, ठीक है, बाहर की तरफ जा रहे हैं, स्ट्रेच कर रहा है, खींच रहा है, जैसे स्प्रिंग खींचते हैं हम लोग, जैसे कि स्प्रिंग खींचा जाता है, या फिर हमारा कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल, मतलब एक समान, ठीक है, दोनों एटम कर रहे हैं। नेक्स्ट है असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, व्हेन वन बॉन्ड इज कंप्रेसिंग एंड अदर बॉन्ड इज स्ट्रेचिंग विदाउट चेंज इन बॉन्ड एंगल। ठीक है, एक बॉन्ड क्या हो, स्ट्रेच हो, और एक बॉन्ड क्या हो, कंप्रेस हो, ठीक है, और उसमें बॉन्ड एंगल में कोई चेंज ना हो, तो इसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक। देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये बॉन्ड हमारा यहाँ पर कंप्रेस हो रहा है, और ये बॉन्ड क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, इस साइड में स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे असिमेट्रिकल। और वहीं सिमेट्रिकल कब होता है, या तो दोनों स्ट्रेच करते हैं, या दोनों हमारा यहाँ पर क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग किसे कहेंगे और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग किसे कहेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं बेंडिंग और डिफॉर्मिंग वाइब्रेशन। ठीक है, अब बेंडिंग वाइब्रेशन में भी कंसिस्ट चेंज इन बॉन्ड एंगल बिटवीन बॉन्ड आर मूवमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम विथ रिस्पेक्ट टू रिमाइंडर ऑफ द मॉलिक्यूल विदाउट मूवमेंट ऑफ एटम इन अ ग्रुप दीज में बी
इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। बेंडिंग वाइब्रेशन वह होता है जिसमें कि बॉन्ड एंगल हमारा चेंज इन बॉन्ड एंगल होता है एटम के बीच में, या मूवमेंट होता है ग्रुप्स के बीच में, के एटम्स के बीच में, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रिमाइंडर ऑफ द मालिक्यूल। किसी एक मालिक्यूल के रिस्पेक्ट में दूसरा एटम या मालिक्यूल क्या होते हैं, वह हमारा अपना बॉन्ड एंगल चेंज कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरा हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं इस तरीके से कि जैसे कि ये देखिए, ठीक है, इसमें हमारा तीन एटम है। अब मान लीजिए यह एटम इस तरफ मूव कर रहा है, यह एटम इस तरफ मूव कर रहा है, इस एटम, यह एटम हमारा क्या है, यहाँ पर बना हुआ है, इसके कंपेरिजन में यह एटम इधर मूव कर रहा है, यह एटम या इस प्रकार से मूव कर सकता है, यह एटम इधर मूव कर सकता है, यह एटम इधर मूव कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, बेंडिंग या डिफॉर्मिंग वाइब्रेशन वह वाइब्रेशन होता है जिसमें कि चेंज हो जाता है बॉन्ड एंगल में, ठीक है, बिटवीन बॉन्ड या फिर मूवमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम्स उनके बीच में, ठीक है। इस यह कितने टाइप्स का होता है इसके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। जनरली बेंडिंग वाइब्रेशंस आर फोर टाइप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं, फोर टाइप्स के। पहला हम बात कर लेते हैं कि सेसरिंग वाइब्रेशन। अब देखिए जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, सेसरिंग वाइब्रेशन मतलब इसे कैंची होता है, ठीक है। इन दीज वाइब्रेशन द टू एटम्स ज्वाइन टू अ सेंट्रल एटम मूव टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम ईच अदर। यह वह प्रकार का वाइब्रेशन होता है, बेंडिंग का वाइब्रेशन होता है जिसमें कि दो एटम किसी एक सेंट्रल एटम के साथ ज्वाइंट होते हैं और वह उस सेंट्रल एटम के टूवर्ड्स या फिर अवे एक दूसरे के वह मूव करते हैं, जैसे कि कैंची मूव करता है, ठीक है, जैसे कि कैंची मूव करता है। उसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक लगा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पर एक ऐसे निकला रहता है, या तो वह एक तरफ मूव कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, जब वो करता है, या फिर हम दूर करने लगते हैं तो ये इस प्रकार से मूव करने लगता है, ठीक है, ये इधर चला आता है, ये इधर चला आता है, जैसे कैंची चलाते हैं ना उस प्रकार से सिस्टम हमारा, इसलिए हमारा सेसरिंग है। जैसे कि सच वाइब्रेशन आकर इन अ प्लेन विद द चेंज इन बॉन्ड एंगल, उसमें बॉन्ड एंगल, देखिए एक एटम यहाँ पर सेंट्रल एटम हो गया, इस सेंट्रल एटम के तरफ मूव कर सकते हैं या इसके अवे जा सकते हैं, ठीक है, या दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर ले या फिर दोनों हमारे अवे चले जाएं। तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, सेसरिंग बेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रॉकिंग। इन दीज वाइब्रेशन द मालिक्यूल स्विंग्स बैक एंड फोर्थ इन द प्लेन विदाउट एनी डिस्टॉर्शन लाइक रॉकिंग चेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल एटम के टूवर्ड्स एक एटम जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में दूसरा भी एटम जा रहा है, ठीक है, ये हमारा सेम डायरेक्शन में। यहाँ क्या होता था, एक इधर की तरफ जा रहा है तो दूसरा इधर की तरफ से कैंची होता है, ठीक है। और रॉकिंग में क्या होता है, दोनों हमारा एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ऐसे, जब यह एटम इधर जा रहा है तो वह भी एटम इधर जा रहा है, ठीक है, ये रॉकिंग में हो गई। थर्ड पॉइंट हो गया आपका वैगिंग, ठीक है। हियर एटम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मालिक्यूल, बोथ एटम वाइब्रेट अप एंड डाउन, ठीक है, ऑफ द प्लेन। इसमें क्या होता है, किसी प्लेन के अप या डाउन वो हमारा मालिक्यूल मूव करते रहे, दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे या दोनों एक साथ नीचे आएंगे, ठीक है, इस प्रकार से यह हमारा मूव करते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन कर दें, इस प्रकार से आप समझिए कि अगर मान लीजिए एटम इस प्रकार से हैं तो जाएंगे तो दोनों अप के अप डायरेक्शन में मूव करें या दोनों डाउन डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है, एक एटम के, ठीक है, कंपेरिजन में। ये याद रखिए, या तो ये ऊपर की तरफ मूव करें या फिर नीचे की तरफ। वेगिंग मतलब हियर एटम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मालिक्यूल, ये हमारा मालिक्यूल है, इसके चाहे इधर हमारा मूव करें, ठीक है, या फिर इधर, दोनों साथ में ही करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा, नहीं, दोनों एक साथ या तो ऊपर जाएंगे या दोनों एक साथ नीचे आएंगे। तो वाइब्रेट करेगा कब, अप या डाउन वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना, बोथ एटम वाइब्रेट अप एंड डाउन ऑफ द प्लेन। नेक्स्ट लास्ट है आपका ट्विस्टिंग। नाम से आपको समझ में आ रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, यहाँ पर मुड़ रहा है। इन सच वाइब्रेशन एटम्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, वन मूव्स वन साइड ऑफ द प्लेन व्हाइल अदर मूव एटम ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है, एक प्लेन के साइड मूव कर रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट साइड मूव करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर मैंने माइनस लगाया है, तो प्लस साइन इंडिकेट एटम मूव अप टू द परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन एंड माइनस साइन इंडिकेट द एटम मूव डाउन टू परपेंडिकुलर ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। एक हमारा प्लेन के ऊपर
परपेंडिकुलर मूव करेगा अप की साइड में, तो दूसरा हमारा डाउन के साइड में। वहीं बेगिंग में क्या हो रहा था, बेगिंग में दोनों या तो अप की तरफ मूव कर रहे थे या दोनों डाउन की तरफ। यहाँ पर क्या होगा, एक एटम अप की तरफ मूव करेगा और एक एटम डाउन की तरफ। यहाँ प्लस माइनस का ये हमने सिंबल बनाया है, ठीक है। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कि वो हमारा मूव कर रहा है डाउन साइड। क्लियर हुआ, तो ये हमारे चार प्रकार के यहाँ पर हो गए, ठीक है। और सब द इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि आफ्टर वन वाइब्रेशन द मूवमेंट ऑफ बोथ द एटम्स रिजर्व, ठीक है। वाइब्रेशन करने, एक वाइब्रेशन करने के बाद उनका मूवमेंट होगा वो क्या होगा, दोनों एटम का रिजर्व होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वाइब्रेशन, ये हर बार लगभग एग्जाम में आपके आया हुआ है, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करिएगा अच्छे से, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।